गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग भाई। सुबह सुबह आ गए थे फवारा मारने के लिए, तो फवारा तो मारना है अभी, इस गेहूँ में फवारा मारना है तन्नाशक का। ये देखो गेहूँ, तो इसलिए मोटर भी चालू करने वाले थे उस खेत में, दूसरे के मौसम्बी के खेत में, लेकिन लाइन ही नहीं है अभी, पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम हो गई। तो अब तो जा रहे, अब सिर्फ मारते यहाँ पर फवारा फटाफट और फिर निकलते घर के लिए। तो दोस्तों अभी तो जा रहे फवारा मारने के लिए, पंप वगैरह भर दिया है, तो लगते अब गेहूँ पर मारने के लिए फवारा। ये देखो लास्ट से शुरू कर रहे हैं अभी हम, फटाफट कंप्लीट करके चले जाएंगे घर। लाइन आनी चाहिए यार, क्योंकि उस खेत में भी पानी वोलना और इस खेत में, आज दोनों खेत में पानी वोलना चलेगा, लाइन आनी चाहिए। दोस्तों फौरत पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब निकलते घर के लिए। तो चलो, लाइन अभी तक नहीं है भाई, पता नहीं आज लाइन का क्या, ये तो आनी चाहिए लाइन। चलो अब जाते। तो दोस्तों अभी तो आ चुके हैं खेत में और चालू कर दिया है, भगवान की कृपा से भाई लाइन आ चुकी है, तो अभी चालू हो गया। अभी देखते पाइप बराबर है कि नहीं, और चल मतलब आज का मिशन स्टार्ट हो गया हमारा गेहूँ का पानी वोलना। तो जाकर देखते हैं पहले कि बराबर पाइप लगेगी नहीं। और ये देखो कांदा अब अच्छा दिखने लगा है थोड़ा सा, और गोद भी अच्छा बड़ा होने लगा है। भाई कितने फवारे मारे कितने नहीं समझ नहीं आता, गोद निकल ही जाता है। ये देखो अब पानी वोलेंगे कांदे को और एक मारेंगे ख़त्म, फिर तन्नाशक का फिर नहीं मारेंगे बा, क्योंकि फवारी फवारी हो रहे, इतना इनकम भी नहीं हो गया जितना हम फवारे मारने में खर्च कर रहे हैं। तो चलो अब जाते और देखते हैं पानी। ये देखो दोस्तों, यहाँ ये देखा तो यहाँ निसट गया था, इसलिए जल्दी से आना पड़ता है और बराबर लगाना पड़ता है भाई, निसट जाता है। रात को ठंड पड़ती है ना, तो ऐसा सुकड़ उकड़ जाता होगा, इसलिए निसट जाता है भाई। तो अभी जाकर देखते बराबर है कि नहीं आगे। तो ये देखो बराबर तो दिख रहा है आगे दोस्तों। ये देखो पानी आ गया है, तो अभी ये पूरा हमारा ख़त्म गेहूँ, तो अब लगेगा पानी कांदे पे, इस वाले कांदे पे पानी लगेगा अब। तो चलो अब लगाते हैं पाइप नेक्स्ट वाला। ये देखो जीरो ही कैलेंडर भाई, कल भी शायद आ गए थे रुई। ये देखो यहाँ से दिख रहे पैर, अरे बापा बापा कितने पैर दिख रहे भाई आने जाने का, अरे यार ये देखो। तो दोस्तों पहुंच गया है देखो, तो अब जा रहे पाइप पलटाने के लिए, यहाँ का पाइप पलटा लेते फिर जाना पड़ेगा दूसरे खेत में। सुबह आपको बताया था ना कि वहाँ पर पानी लगाना है खेत में मौसम्बी के भी, तो वहाँ पर पानी लगा कर आ गए थे, तो अभी दांड पलटाने वहाँ पर भी जाना पड़ेगा, पहले ये पलटा लेते फिर चलते वहाँ पर। तो चलो अब जाते, आज दोनों खेत देखने पड़ेंगे हमें, उतना टेंशन का काम नहीं, एक बार लगा दिया तो जाता है पानी। देखो दोस्तों यहाँ पर आ गए और ये दो दांड लगाए थे पापा ने, तो अभी लास्ट तक जाकर देखते कि लास्ट तक पानी आया कि नहीं। तो चलो ये देखो यहाँ का गेहूँ कैसा दिख रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते अब लास्ट में। तो दोस्तों लास्ट में तो पानी आ चुका है, तो जाते अब दांड पलटा लेते यहाँ का। चलो तो दोस्तों ने ये दांड लगा दिए, तो अब जाकर देखते कि बराबर ये लास्ट तक है कि नहीं, बराबर होंगे फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलो, क्योंकि यहाँ पर पेड़ आए थे ना, तो थोड़े से देख लेते कि जोड़ के है कि नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, पहले ये दांड ओल लेते क्योंकि उस पेड़ तक ये दांड फिर तो सरे है, और ये दांड लगाना पड़ेगा, ये दो लगाने पड़ेंगे, वो अभी ओलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते, बैठ जाते थोड़ा सा यहाँ पर, एक कंप्लीट करके दो लगा कर जाएंगे फिर यहाँ से। तो चलो, और यहाँ का पानी भाई उस खेत से ज़्यादा बहुत ठंडा होता है। देखो एक कुएं का पानी बहुत ठंडा होता है और एक कुएं का पानी गर्म होता है, पता नहीं क्यों। फिर चार दांड रह गए थे, तो यहाँ भी फोड़ दिया और वहाँ पर भी कांदे में चल पे पानी।
वही आका गोद देखो दिन ब दिन कैसे बढ़ रहा है। ये देखो इस पर पानी उड़ने के बाद लगातार जस्ट मतलब एक दिन होने के बाद जल्दी से फवारा मारना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो ये और बढ़ जाएगा। ये देखो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर तो लगा दिया है पाइप, तो अब जाते कांधे में देखते हैं पानी कितना गया। तो भाई इतना ही कांदा है लेकिन पूरी वाट लगा देता है। अभी देखो एक पाइप हो गया लेकिन एक कांदा होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल तो जा रहे दूसरे खेत में, वहाँ पर लगा देते पानी। दोस्तों यहाँ आकर देखा तो एक दांत पहुँच चुका था और एक पहुँचने वाला था, तो अभी एक को पलटा लेते और एक को रहने देते और यहाँ से चलते दूसरे खेत में। वहाँ पर गाय को चारा वगैरह डालेंगे, पानी वगैरह पाजेंगे और फिर डबल आते हैं यहाँ पर, और फिर तब तक एक पहुँच जाएगा। चलो करते का। तो दोस्तों आकर यहाँ पर हम बैठ गए और पानी लगा कर आ गए वहाँ गेहूँ का। और देखो यह आखा इस कांदे का तो नामो निशान नहीं है भाई, इतना पानी पीता है ना, इतना पानी कि मत पूछो। वहाँ पर 6 दांत चले गए लेकिन यहाँ के 2 दांत नहीं हुए। तो अभी इंतज़ार करते यहाँ का आने का, फिर लगा देते नया। दोस्तों अभी तो बज गए 4:30 और ये पाइप लगा दिया, अब जा रहा है पानी। ये देखो तो अभी तो इंतज़ार करते पाइप जाने का, नहीं तो यार अभी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 1.5 घंटा रहेगा हमारे पास लाइन का। तो नया अगर होता तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये जल्दी हो जाएगा फिर नया लगाना पड़ेगा, नहीं तो बंद करनी पड़ेगी मोटर घर जाते समय। देखते क्या पॉसिबल होता है। दोस्तों मोटर तो बंद कर दी क्योंकि अभी बाय का टाइम हो गया घर जाने का, तो उनको छोड़ना पड़ेगा और दांत भी कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर वो बाय चला जाएगा हम अगर घर जाएंगे तो, इसलिए बंद कर दिया। तो अब चलते घर। दोस्तों फिलहाल तो नहा धो के पूरा रेडी हो चुके हैं, तो अब जाते हैं वर्चिशाए पर। देखते हैं अगर कोई खेल रहा होगा क्रिकेट तो खेलते उनके साथ, नहीं तो देखते बोर हो रहा है घर पर, तो चलते अब। तो दोस्तों यहाँ पर तो खेल रहे हैं ये, देखते अपना नंबर लगेगा क्या। तो भाई तेरा नंबर नहीं लगने वाला। थारा भाई भाई ऐसा चौका मारेंगे, ऐसा चौका मारेंगे किसी ने सोची ना होगी। शामे मलंग सी राते सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों एक बारी सफर सवालों का सफर शुरू तुमसे खत्म। दोस्तों मैच तो खेलना हो गया भाई, बुरी तरह से बेइज्जती आज भी हो गई, बेइज्जती एक्सट्रीम लेवल 2। तो अभी तो निकलते घर के लिए, तो वीडियो भी एंड कर देते क्योंकि रात भी हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।